मंगवा ली टैक्सी तुमने? हाँ मंगवा दी। अब उसे क्या था आपने? बस मैंने कह दिया कि तुम्हारी खाला की तरफ जा रहे हैं, और क्या कहना था? मम्मी वहां जाकर कोई ऐसी वैसी बात ना कीजिएगा। ज्यादा मेरी अम्मी बनने की जरूरत नहीं है, है? मुझे पता है वहाँ जाके क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और तुम भी तमीज से रहना। अब चलो जल्दी आओ, हटो। वैसे आफरीन है तुम पे, तुम अपने उस दो नंबर सुसर की बातें सुनकर यहाँ पे आ गए हो। तुम्हें और क्या करता बताएं? वैसे ये तुम हो जो अपनी सास की इस घटिया हरकत पे भी खामोश रहे हो, बल्कि उसकी मदद करते रहे हो। कोई और दामाद होता ना तो सास ऐसा करने से पहले सोचती, मगर नहीं, आजकल के पढ़े लिखे दामाद सारी पुरानी रवायात को भूल चुके हैं। दामाद की कोई इज्जत होती है, कोई प्रोटोकॉल होता है उसका। भाई प्लीज मुझे ये सब बातें करके मजीद परेशान नहीं करें। मैं परेशान करूं? मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारा कोई रोब होता हदायत अंकल की फैमिली पे तो तुम्हारी सास ऐसी हरकत करती कभी नहीं। बाद में आना बेटा। मैं जब अपने ससुराल जाता हूं ना तो शगुफ्ता के अम्मी अब्बू मेरे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, और एक तुम अपने पीछे लगाया हुआ उन्होंने तुम्हें। मिनाल से बात करो तुम। क्या बात करूं मैं उससे? बताओ उसे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, उसे एहसास दिलाओ। अगर वो मोहब्बत करती है तो उसे सबूत देना होगा। वो पहले इन सबके हक में नहीं थी। हक में हो या इसके खिलाफ हो, तुम्हारी बेइज्जती हुई है। मिनाल को पे बैक करवाना होगा। तुम लड़े थे ना उसके लिए, जिद करके शादी की थी ना, वरना अब्बू तो तुम्हारी शादी शगुफ्ता की बहन नादिया। मिनाल को तुम्हारे लिए लड़ना होगा, तुम्हारी बेइज्जती के लिए लड़ना होगा, और जो कमिटमेंट अफान ने तुम्हारे साथ की थी वो भी पूरी करवाएगी। फोन करो मिनाल को। करता हूं। इस कमरे की डस्टिंग करके ना इसकी फौरन बाद ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी कर लेना। जी। किचन की भी क्या हालत हुई हुई है, तो वाह क्या करे, इतना डस्ट जमा हो जाता है इस शहर में। अभी डेढ़ महीना बाकी था, असफर भी कह रहा था कि उदास हो रहा है कि ना जाए पाकिस्तान। असफर के पास उदास होने का टाइम ही कब है? कम से कम पाकिस्तान में रहते हुए उससे फोन पे तो बात हो जाती है, वहां तो सिर्फ बात करने का भी टाइम नहीं। मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चीज चाहिए? हाँ नाश्ते का सामान ले आना और फिर आके हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे। चलो शाबाश, ये ले जाओ, रखो। क्या कुछ नहीं किया मैंने अफान के लिए, आंटी के लिए, उनको सपोर्ट किया, पुलिस केस बनने से बचाया, और बदले में क्या मिला? कोई भीख नहीं मांग रहा था मैं, भाई समझकर थोड़ी सी हेल्प मांगी थी। और वो आंटी का शौहर जलील करके मुझे ऑफिस से निकलवाया उसने। पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हाँ मिनाल बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहाँ हो तुम? और पप्पू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं और सहर तो अंकल आंटी के पास जा रहे हैं, और पप्पू तो कनाडा चले गए हैं। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं। क्यों? और ये माहिर कैसे वापस आ गया है? बस आ गया वो वापस, और मैंने ऑफिस उसके हवाले कर दिया। क्या हो गया है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मिनाल तुम्हें क्या हुआ है? माहिर ने जमीर की बहुत बेइज्जती की है, जमीर बहुत अपसेट था। मिनाल मैं इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो बात करनी है ना माँ से करो। What do you mean, तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम मेरे भाई हो और तुमने जमीर से वादा किया था कि तुम इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, और अब? हाँ किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं ना, तुम्हें जो भी बात करनी है माँ से करो या माहिर से करो, मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं और सहर कल मरी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ही अमेरिका चले जाएंगे।